नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और अभी मैं पेट्रोल स्कॉर्पियो एन चला रहा हूं। बरसात हो रही है, मैं क्या करने जा रहा हूं, माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा आपको कि ये गाड़ी कितना माइलेज देती है एक लीटर पेट्रोल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको पूरा पहले तो टैंक फुल करवाएंगे, इसके बाद में फिर रन करेंगे करीबन 100 किलोमीटर के आसपास और फिर बताएंगे कितना माइलेज देती। तो आइए, जब मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया था उसके बाद में मैं कितना चल चुका हूँ आपको भी दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग पाएगा लिटरली कि कितना मैं चला चुका हूँ, क्योंकि 7.2 किलोमीटर प्रति लीटर की इकोनॉमी इस पे आ रही है। और मैं इसे फिर ब्रिम टू ब्रिम करवाने वाला हूँ, हालांकि काफ़ी कुछ मैं इस पे डलवा चुका हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले इसे लेके जाता हूँ ड्राइवर इन्फो में, और देखिए 76.3 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को अब तक चला चुका हूँ, और एवरेज स्पीड मेरी रही है इस दौरान 29 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक वैफिक था और कहीं कहीं पर मैं खड़ा भी था जब शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं खड़ा भी था। तो मैंने जब टैंक फुल करवाया था और जिस तरीके से हमने कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा था, वहाँ से लग रहा था कि इसका जो 2 लीटर का ये टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 203 PS की शक्ति देता है और 300 Nm का टॉर्क देता है, उससे लग रहा था कि भैया बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं देने वाली है। लेकिन फिर भी अब माइलेज का पता तो चलेगा जब मैं दोबारा अभी फिर टैंक फुल करवाऊंगा, और इसे मैं चला रहा हूँ भी काफ़ी टाइम तक, मेरे पास ये गाड़ी रहेगी तो मैं इसे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा 200-250-300 किलोमीटर पूरा टैंक खाली करके मैं महिंद्रा को देने वाला हूँ इसे, और बहुत कुछ पैसा मेरा खर्च होगा इसमें, लेकिन आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता सकूँ इसलिए चलता है। थोड़ा बहुत समझ में आता है कि अगर आप खर्च नहीं करोगे तो आप बताओगे कहाँ से। तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश के मौसम में भी मैंने इसे ड्राइव किया है, बैड कंडीशन में बोल सकते हैं इसे, तो हॉट कंडीशन कम मिली है इसे, बैड कंडीशन ज़्यादा मिली है, सिटी का ट्रैफिक ज़्यादा मिला है और हाईवे भी थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है। अगर 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा है तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100% मैं हाईवे पर भी गया हूँगा। तो इस तरह से जो ये अब माइलेज आएगा वो मैं आपको लास्ट में वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं चलाने में जब इसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो काफ़ी सहज है इसे चलाना, और केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है इसका, तो इस वजह से आपको चलाने में इसका फन टू ड्राइव ये लगने वाली है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो माइलेज नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आराम से इस गाड़ी को ड्राइव करिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा आप भगा रहे हो किसी भी तरह से इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करिएगा। और टायरों में प्रेशर, टायर प्रेशर भी एकदम मेंटेन है, तो माइलेज में टायर प्रेशर भी मैटर करता है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो जो टायर प्रेशर है इसका, तो इस व्हीकल इन्फो पे जाऊँगा तो ये दिख जाएगा, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा जब आप चलाओगे इसे ना, तो ये व्हीकल इन्फो आ गया है, और जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो ये टायर प्रेशर देखिए 32, 32, 32, सब में 32 का प्रेशर है, 17 इंच के इसमें टायर लगे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा मतलब मैंने जो रोड चुनी है इसमें ऑफ रोडिंग बहुत कम थी, ऑफ रोडिंग तो एकदम नहीं थी, क्योंकि मैं इसको ऑफ रोडिंग लेके जाऊँगा मेरी ऑफ रोडिंग के लिए, फिर मुझे 4x4 लेना पड़ेगा, और 4x4 से अगर मैं ऑफ रोडिंग करूँगा तो इसका माइलेज कुछ अलग होगा, लेकिन ऑफ रोडिंग में माइलेज निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में माइलेज नहीं निकलता है। तो अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको कि ये गाड़ी माइलेज कितना दे सकती है। तो मैं जब वहाँ से लेके निकला था पुणे से, चाकन प्लांट से मैंने जब शुरुआत की थी और दोबारा पेट्रोल इसमें भरवाया, और बहुत कुछ सिटी कंडीशन में, क्योंकि बहुत जगह ओवरटेकिंग भी की, बहुत सारे लोग इस गाड़ी को देखने भी आ जाते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए जब मैं आगे बढ़ा
तो मुझे लग रहा था कि लोगों का जो इस पे इस गाड़ी के प्रति एक उत्साह है ना, अगर ये माइलेज में रिफ्लेक्ट हुआ पेट्रोल वाले, तो और मज़ेदार हो जाएगा चलाने में। जैसे मैंने अपने रिव्यू में भी जिक्र करूँगा, उसको देख के जाइएगा वीडियो, कि चलाने में आपको बहुत ही सहज लगेगी ये गाड़ी। ऐसे लगेगी क्योंकि टर्निंग रेडियस बहुत प्यारा है, ट्रैबल सस्पेंशन बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए, एक हिल ड्राइव पर मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ अभी, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मुझे विजिबिलिटी, मतलब इतनी पुअर विजिबिलिटी में भी आराम से मैं चला सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो लाइट वाइट का इसका रोशनी का प्रकाश है वो भी बहुत अच्छा है। कोशिश करूँगा एक नाइट राइड ड्राइव भी करूँ, जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि ये चलाने में कैसी है, जब रात में आप ड्राइव करते हैं किस तरीके से आपको चीज़ें इसमें मिलती है। बाकायदा एक परफेक्ट SUV बनाई है महिंद्रा ने, जिसे आप फूड SUV बोल सकते हैं। और टक्कर की बात करेंगे तो ये सफारी XUV700O का भी कहीं पर नाम आ सकता है कि उसको भी टक्कर दे सकती है। और सफारी हो गया, MG हेक्टर हो गया, और फुल साइज SUVs में जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनको ये कड़ी टक्कर देती है। और बरसात के माहौल में जब आप इसे चला रहे होगे ना, तो इसे आप बिग डैडी आप SUV बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये परिभाषित होता भी नज़र आता है। तो अभी काफ़ी कुछ ये गाड़ी चल चुकी है, और यहाँ पर जो कंडीशन मैंने चूज किया था ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिटी कंडीशन हो गया, हाईवे कंडीशन हो गया, और बरसात हो गई, देखिए बारिश में ड्राइव कर रहा हूँ, तो जितनी भी तरह की कंडीशन हो सकती है सब में चल चुकी है। तो जो माइलेज आएगा ना, तो उसे एक रियल में आप एवरेज माइलेज मान सकते हैं, क्योंकि मैं इसे ब्रिम टू ब्रिम कर रहा हूँ, और वहाँ से आपको एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितना माइलेज इस गाड़ी ने दिया है। तो चलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अब कि भैया थोड़ा और आगे बढ़ूँ, और लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में मैं इस टैंक को दोबारा फिल कराऊंगा, तो फिर वहां पे मैं देख पाऊंगा कि इसने कितना मुझे माइलेज दिया है। माइलेज मेरे सामने आ चुका है, मैंने दोबारा इसका टैंक फुल करवा लिया है, और 89.9 किलोमीटर चलाने के बाद में 10.36 लीटर पेट्रोल मैंने अपनी इस स्कॉर्पियो इन में डलवाया है। माइलेज जो आया है 8.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे मिला है, और ये एक आदर्श कंडीशन है जिसमें मैंने इसे चलाया है। लेकिन क्या है कि मैं शूट कर रहा था, कुछ जगहों पर गाड़ी खड़ी थी, स्टार्ट करके रखा था, तो मान के चलिए अगर आप चलाएंगे तो 10-11 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाएगा। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही रिफाइंड है, और आराम से आपको बहुत कुछ करवा देता है। लेकिन जब माइलेज की बात आएगी तो माइलेज से आपको समझौता करना पड़ेगा अगर आपको पेट्रोल इंजन पसंद है तो। तो फिलहाल इस माइलेज टेस्ट में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा अब आपको कमेंट करके बताना है। इंतज़ार कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और नया लेके आता हूँ आपके लिए।